जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रौफ क्लास और आपके सामने नया वीलॉग के साथ हाज़िर हूँ। तो जो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बड़ी इस वक्त सिचुएशन जो है गंभीर हो चुकी है, खसूसी तौर पर मैं समझता हूँ इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए। दे आर इन ए बिग मैस और उन्हें खुद भी एहसास है कि उनसे कैसे ब्लंडर्स या गलतियाँ लगी हैं कि ऑल ऑफ सडन जो 9 मई वाले दिन तक आप लोग एक पावर में थे, पावर मीन क्लाउड था, ये फॉलोइंग थी, रोब था, दबदबा था, यू आर इन ए पोजीशन टू डिक्टेट ऑल योर टर्म्स एंड कंडीशन। तो वो सडनली ट्विस्ट ऑफ फेट के हैं, फॉर्चून्स के हैं कि इमरान खान साहब जो थे वो उनको जितने ऑलरेडी ये बात भी हो चुकी है कि जितना उनको प्रोटोकॉल के साथ उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया वो उनका मैं समझता हूँ उनका क्लाइमेक्स था, उनकी पॉपुलैरिटी का, उनकी लक का कहें, उनकी हिकमत अमली का कहें या उनकी पॉलिटिक्स का कहें कि दैट वाज वन ऑफ हिज बिगेस्ट डे कि पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट हो, एजेंसियाँ हों, हुकूमत हो, मीडिया हो, जो उनको उनके खिलाफ थे सपोजली, तो सारे के सारे लगता था कि दे हैव बीन बीटन, सब कुछ शिकस्त और खान एज अगेन एमर्ज एज ए विक्टर लाइक ए सीजर। तो वो दिन था जो फिर मैं वहाँ से एक एंटी क्लाइमेक्स शुरू हुआ और खान साहब जो हैं वो जो आपके सामने हालात है इस वक्त अकेले हैं जमान पार्क में, वहाँ पे हुका आलम है, सन्नाटा है, बंदे नहीं है जो जहाँ पे कैंप लगे हुए थे, किसी को जरूरत नहीं होती विजिट करने की। अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं कि मुझे रिलीफ दिया जाए, बेल आउट किया जाए, इन तमाम चीज़ों का। अब उनके करीबी दोस्त जो हैं वो भी वो वीडियोज़ उस पर रिलीज़ कर रहे हैं, वीलॉग्स बना रहे हैं कि इमरान खान साहब से कहाँ कहाँ से गलतियाँ हुई। मैं ज़्यादा अपने मुँह से मियाँ मिठू बनना अच्छा नहीं लगता, आप लोगों ने देखा होगा मेरा सारे वीलॉग्स पड़े हुए हैं, उठा के देख लें पिछले 3-4 सालों से कि बहुत सारे लोग आप में से मुझसे अफेंड होते हैं, नाराज़ होते हैं, अनाए होते हैं, बहुत सारे आप लोगों में से कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, रॉन्ग वर्ड्स भी यूज, बट फेयर इनफ आई कॉन्ट रिप्लाई बिकॉज के आपको पब्लिक फेस और फिगर होने के नाते आप उनकी मैचिंग परफॉर्मेंस को आप उनकी परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर सकते। सो वो अपनी जगह पर आ गए, वही एग्जैक्टली चीज़ें जो मैं पॉइंट आउट करता रहा हूँ, तो वही कुछ हुआ है, वही ब्लंडर्स हुए हैं, वही गलतियाँ हुई हैं। अगेन अब आप कहें जी आप बड़े अकले कुल हैं, आप बड़े सियाने, मैं अकले कुल सियाना नहीं हूँ। जब आप 25 साल से पॉलिटिक्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, पॉलिटिशियन से मिलना जुलना उठना बैठना उनके पॉलिटिकल मूव्स फैसले आप इनको रीडिंग कर रहे होते हैं, आपकी रीडिंग होती है, रीडिंग होती है हर मतलब फील्ड के बंदे की अपनी रीडिंग होती है। मेरी भी रीडिंग थी कि ये जहाँ जहाँ ये जगहों पर खान साहब की जो इशूज़ हैं फैसले हैं बैकफायर करेंगे, बहर वो जो करता है उसके कंसिक्वेंसेस उसी को फेस करने पड़ते हैं। लेकिन उनको दुख ज़्यादा ये होता होगा जो कल उनको बल्ले बल्ले वाह वाह क्या बात है जी, जो क्या क्या बात बल्ले बल्ले पे जिन्होंने उठाया हुआ था आज वही उनको नसीहतें कर रहे हैं, उनकी नसीहतें कम अज़ कम नहीं बनती मेरा ये ख्याल है। जो उस वक्त बल्ले बल्ले वाह वाह कर रहे थे ना, अब वो खान साहब को नसीहतें ना करें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब सवाल ये है ये जब भी किसी का जिवाल होता है फाल होता है, अब आप कहेंगे खान साहब का जिवाल नहीं हुआ अभी, वो बिल्कुल होंगे, हो सकते हैं बाउंस बैक कर दें 2-4 साल 5 साल वट एवर टाइम, लेकिन वक्ती तौर पर तो एक डिप आई है। मैं इस दीवार की बात कर रहा हूँ, तो इसमें उनका क्या रूट रहा या उन्हें क्या रूट लेना चाहिए था, उनसे कहाँ पे मतलब कोई इश्यूज है। मुझे मॉडर्न ईरा में अगर मैं देखूँ, इंटरनेशनल लेवल पर ज़रा चलते हैं, चल लोकल लेवल को छोड़ देते हैं, यहाँ पर दुश्मनियाँ मार धाड़ अपनी जगह पर, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब का बड़ा उनसे अच्छा तल्लुक था, कि सऊदी प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान MBS जिनको कहते हैं, उनसे भी बहुत सारी गलतियाँ इनिशली हुई थी, पता है आपको कि उन्होंने जिस तरीके से 2000 उनके बड़े फैसले थे जो बैक फायर किए, जिन्होंने उनका इमेज जो था हल्ट किया उसको, यमन की वार उन्हीं के खाते में डाली जाती है, डिप्टी शायद उस वज़ीर दिफा थे, उन्होंने आते ही यमन में उन्होंने बम्बार्डमेंट वगैरह करे जो सबसे ज़्यादा उनके लिए बाद में मुश्किल हुआ उनको वार को जस्टिफाई करना, इट वॉज़ डिज़ास्टर फॉर सऊदी अरब। फिर उनका बड़ा जो था वो साफिज जो थे जमाल खशोगी साहब वाला, उन पर इल्ज़ाम लगे, वो एक और बड़ा डिबाकल था। फिर उनका यह था कि उन्होंने अपने अपोनेंट्स को जिस तरीके से हैंडल किया, डील किया, खैर वो सऊदी अपनी हुकूमत के एक लाज हैं, कल्चर है, उनकी अपनी जो भी डोमेन है जिस तरीके से ऑपरेट किया। सो इनिशियली अगर आप उनको देखें, यंग थे, 32 साल के मेरा ख्याल है एज थी उस वक्त, 32 साल कह लें या उसके 30 साल के करीब का यंग पैशनेट एक प्रिंस, तो लिहाजा उनसे अगर वाले साहब ने जब उनको आगे किया कि आप आएँ और इसको इन मामलात को देखें, एज ए क्राउन प्रिंस उनको बनाया गया, बहुत सारे उनके अपने अपने भाइयों वगैरह को पीछे करके, तो डेफिनेटली तौर पर फैमिली में रेवलरीज या कबीले में इस तरह की दुश्मनियाँ पड़ना वो एक मतलब फितरी सी बात, हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये चीज़ें हमने देखी, सो इट वॉज़ नेचुरल। सो उन्होंने उसके मुताबिक रिएक्ट किया और उनसे ये ब्लंडर्स हुए, गलतियाँ हुई, लेकिन वॉट ही डिड उनकी तमाम के बावजूद कि उन्होंने अपने लेसन सीखे,
मतलब आप उनको बड़ा करीब से देखें ना। मैंने एक दो बुक्स भी पढ़ी हैं उन पे MBS साहब पे, सो उनका थोड़ा सा मुझे राइज का, बचपन का या उनके टीन एज का, उनकी चीज़ों का कुछ अंदाज़ा है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं और क्या उनका मूड या उनका क्या मिजाज है उसका। उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया, जो कि हम तवक्को नहीं रखते कोई 28 को 30 साल 32 साल के प्रिंस है, यंग प्रिंस है, कि खुद को एडजस्ट करेगा, मूव करेगा और अपने आप को एक उसमें लीडिंग इंटरनेशनल एक पोजिशन पर वो लेकर आएगा। अब उसमें उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, जो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को उनसे अभी भी वो कोशिश करें, अगर इट्स टू लेट आई थिंक, उनके पैटर्न को फॉलो करना चाहिए उनको, कि आफ्टर ये तमाम इनिशियल ब्लंडर्स के बाद MBS ने खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म किया इनटू ए सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड लीडर या मिडल ईस्ट एक लीडर कह लें, जो लीड कर रहे हैं इस वक्त, और इस वक्त एक प्रोमिनेंट सऊदी अरेबिया को आगे लेकर जा रहे हैं, और जो सऊदी यूथ है, सऊदी लोग हैं, जिस तरह के उन्होंने पिछले 4-5 सालों में उन्होंने तब्दीलियां की हैं, मैसिव रेवोल्यूशनरी तब्दीलियां, रेडिकल चेंजेस हैं, और सऊदी अरेबिया को उन्होंने मतलब ओवरनाइट, तो मतलब आप कैसे ओवरनाइट चेंज करके रख दिया है, अब आप यकीन नहीं आता जब आप वहाँ पढ़ते हैं कि महरम के बगैर सफ़र हो सकता है, स्पेस में महरम के बगैर खतून जो है वो ट्रैवल करने का उसका बन रहा है, ड्राइविंग वहाँ लाइसेंसेज हैं, वहाँ पर फुटबॉल आ गए, मैचेज आ गए हैं, वहाँ पर क्लब्स खुल गए हैं, कैफे खुल गए हैं, वो जिसको वेस्टर्न कल्चर की उनको कहा जाता, सो ही हैज गिवन ए लॉट। ये तो उन्होंने डोमेस्टिकली तौर पर, हालांकि बढ़िया पोजीशन भी थी उनके पास, उनको बढ़िया पोजीशन भी मिली वहाँ पे अच्छी खासी। अब उन्हें क्या एहसास हुआ जब वहाँ पे, आपको याद होगा जमाल खशोगी वाला वाक्या हुआ और उस पर जो बाइडन और वहाँ से अमेरिकन से साफ जहर है उन पर तनकीद आई और बहुत सारी उन्होंने उस पर उन्होंने वो डिमांड्स भी की। उनके उस वक्त किन किन मुल्कों से तलुकात ख़राब थे, आप नोट करें, उस वक्त की बात है जब ये सारे मसले चले थे, उनके अमेरिका से तलुकात ख़राब हो गए थे, उनके तुर्की तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे सारे तैयब अरदगान वगैरह, क्योंकि उनके एम्बेसी में हुआ था सर, उनके कतर के साथ तलुकात ख़राब थे, इसराइल के साथ ठीक नहीं थे, ईरान के साथ ठीक नहीं थे, सो मोस्ट ऑफ द जो वो मतलब रीजन जो था, इवन आपको याद हो या उसमें शाम में जो सिविल वार हो रही थी उसमें सऊदी अरेबिया जो है वो भी अपना एक रोल अदा कर रहे थे। सो ये आप अब नोट करें, 5-6 बड़े ममालिक जो हैं वहाँ उस खत्ते के सबके साथ इनके मसले चल रहे थे। तो MBA ये मेरी रीडिंग है जो मैंने पढ़ा है, मुझे जो समझ आई है, हो सकता है आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होने, यू हैव ऑल द राइट्स टू हैव योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स और सऊदी अफेयर, में वहीं तक अपने वो कन्फर्म अपना आपको अपनी राय आपके साथ शेयर करूँ जो मुझे समझ आई है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैठ के सोचा कि हमने अमेरिकन इस पर डिपेंडेंसी पर रहने, हमने अमेरिकन यहाँ पे अड्डे रखने हैं, हमने अमेरिकन फोर्सेस रखनी है, अमेरिकन फौज रखनी है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस रखना है, उन्हीं के साथ हमने तलुकात बना के रखे हैं ताकि हमारी किंगडम जो है वो महफूज रहे, किन से महफूज रहे या हमारा दिफा महफूज रहे, वो कतर से रहे, क्यों कतर के साथ नहीं थे उस वक्त उनका, ये कतर को से हमें थ्रेट है, हमें ईरान से थ्रेट है, हमें शाम से थ्रेट है, हमें सबसे ज़्यादा अगर इसराइल से थ्रेट है, लिहाजा हमें इन थ्रेट्स को, जब तुर्की के साथ अब उनका मसला जो चला था, अब इन थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो नीड द अमेरिकन, जब माजी में उनकी उनके साथ भी थी सद्दाम हुसैन, इराक वगैरह को भी आपको याद होगा, वो भी जब ये गल्फ वार हुई तो उसमें उन्होंने उस वक्त मिज़ाइल के हमले कुछ जो हैं वो उन्होंने सऊदी अरब पर करने की कोशिश की थी। सो अब इन्होंने क्या कर, यमन से उनको उस वक्त थ्रेट थी, सो इतने सारे उसमें वो फंसे हुए थे। अब ऑप्शन क्या था कि आपने नए महाज खोलने हैं या ये सारे महाज बंद करके आप सिर्फ सऊदी अरेबिया को फोकस करें, अपने मुल्क को तरक्की देनी है, आपने लीडर बनना है। उस नौजवान ने वही फैसला किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे उन पे क्वेश्चंस हैं, डिबेट्स हैं, बहुत सारी तनकीद है, इल्ज़ामात हैं, उसको एक साइड पर रखते मैं दूसरी साइड देखने की कोशिश कर रहा हूँ। उस नौजवान ने फैसला किया कि नहीं, मैं ये सारे महाज ना बंद करूँगा, मैं ये मुझे सूट नहीं करते, मैंने बहुत आगे अगर रूल करना है मैंने तो इस ये बैगेज के साथ मैं रूल नहीं कर पाऊंगा। सो सबसे पहले उन्होंने अमेरिकन को पीछे किया, यू नो इट, मतलब इस तरह नहीं किया कि हमारे यहाँ जैसे होते तलुकात नहीं खत्म करने होते, लेकिन आप अमेरिकन पॉलिसीज को या उनके एजेंडेज को फॉलो नहीं करना शुरू। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसराइल के साथ तलुकात अपने नॉर्मलाइज किए, जी हमें सबसे ज़्यादा डराया जाता है मिडल ईस्ट में कि इसराइल के साथ प्रॉब्लम होंगे तो हम फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, बिकॉज वहाँ पे होली प्लेसेस हैं, सारी दुनिया के मुसलमान समझते हैं कि आप हमें लीड आप लोग ही करेंगे, तो लोग उन्होंने सऊदी उन्होंने उनके साथ तलुकात ठीक किए इसराइल के साथ, ना सिर्फ अपने ठीक किए, उन्होंने उनके UAE के भी ठीक करे वहाँ पर, तो वैसे ही खुल गई। साथ में कतर जिसका ब्लॉकेट किया था उन्होंने कतर के साथ तलुकात ठीक किए, खुद भी कतर गए, कतर का वो जो थे वो भी उन्होंने सऊदी अरेबिया के विजिट की, साथ में तुर्की जो है वो तुर्की भी गए और तुर्की के ये तैयब अरदगान साहब को बुलाया, जब तुर्की का उनका लीरा का क्राइसिस हुआ तो 3 या 4 अरब डॉलर उन्होंने तुर्की को भी दिए जैसे पाकिस्तान को भी दिए। साथ में उन्होंने जैसे मैंने कहा शाम वाली जो थी वो भी साफ जा रही, इस वक्त सिविल वार में उन्होंने अपने आप को वो किया, पीछे किया कि मामला सेटल होने, सबसे बड़ा जो फैसला था यमन वाला था कि यमन में जो कुछ वार शुरू हुई थी उसको रिवर्स करना है, वो रिवर्स करेंगे तो ईरान के साथ तलुकात आपके
ठीक हो सकते हैं। अब मेजर थ्रेट उनके लिए क्या बच गई थी, ईरान बच गया था, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया की आज की लड़ाई नहीं है, ये मतलब है, उसमें सैकड़ों साल पुरानी ये लड़ाई है, उस वक्त से चल रही है। सो उन्होंने वहाँ पर उसमें जो उसमें इन्वॉल्व हुआ है, चाइना इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि चाइना को एनर्जी की ज़रूरत है इस वक्त। उन्होंने अगर अपने आप एक्सपेंड करने दुनिया भर में बड़ा एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर इमर्ज कर रहे हैं, जिसको अमेरिकन जो वेस्टर्न ब्लॉक रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने जनाब जब आके इसके चाइना की और इसके ईरान के तलुकात बढ़े आपस में, रिलेशनशिप आपको पता इकोनॉमिक्स उनके के, फिर इवन वो चाइना रशिया के साथ ज़्यादा जाके उन्होंने उनको भी सपोर्ट दी यूक्रेन वाले इश्यूज़ पे, उन्होंने बड़ा अपना रोल प्ले करने की कोशिश की। साथ में उन्होंने सऊदी अरेबिया को उन्होंने आके टच किया, रीज़न वही थे कि उन्हें या उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सो ये वो टाइम था, सबसे बड़ा फैसला था, ये उसी तरह का फैसला जैसे पाकिस्तान इंडिया का भी शायद हाल हो सकता है, ईरान और सऊदी अरेबिया का मुश्किल था। मैं फिर कह रहा हूँ ट्राइबल उनकी रीजनल बहुत पुरानी लड़ाई है, हमारी तो चलो यहाँ 75 साल पुरानी लड़ाई है, उनकी तो पीछे जो 1400 साल की पहले तो हम खुद जानते हैं कि वहाँ पे उसमें क्या हो रहा था और किस तरह की दुश्मनी चल रही थी। सो इट वॉज मोर डिफिकल्ट, और इसमें अच्छे खासे उनकी कैजुअल्टीज हुई हुई थी, बहुत सारे मतलब उस प्राक्सी वार जो लड़ी गई हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, ईरान और सऊदी अरब ने जो लड़ी हैं, वो लेबनान में लड़ी हो, वो यमन में लड़ी हो, इवन पाकिस्तान में लड़ी गई हो, ईरान की और सऊदी अरब की लड़ाई में बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं माजी में हमने देखा है। सो इट वॉजेंट एन ईजी टास्क के शहजादा मोहम्मद जो है ईरान के साथ मुहैदा करें, पीस का करें और वहां पे दोनों मुल्क डिप्लोमेटिक रिलेशन दोबारा शुरू करें। शाह के बाद पहली दफा हो रहा था, शाह ईरान के बाद। सो इट वाज वेरी टफ डिसीजन आई एम सेइंग, बट ही टुक इट। रीजन क्या था, उनका ये था कि अगर मैंने निकलना है इनके अमेरिकंस की उस डोमिनेशन से, ये हो सकता है उनके जहन में ये चीज़ ना हो जो मैं अपने से रीड करने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने सोचा कि अगर मैंने अपनी कौम को लोगों को लेकर आगे निकलना है तो मुझे महाज फ्रंट बंद करने हैं, और ये बड़े इनके पर्सनल महाज से जहन में रखे हैं, यमन की वार हो, ईरान का मसला हो, शाम का मसला हो, इवन आपका बल्कि इससे ज्यादा तुर्की वाला मसला ज़्यादा अहम था मेरा ख्याल है कि पर्सनल एलिगेशन लगा रहे थे, वो तो ट्रायल होना शुरू हो गया, कुछ लोगों को सजाएं भी हुई थी, या कतर वाला हो, ये पर्सनल एनिमिटीज़। इस लेवल के लोग जो होते हैं, हुक्मरान बादशाह जो होते हैं, इन दुश्मनी को पर्सनल लेते हैं, उनके पास एक डेमोक्रेटिक ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होते या किसी के रीजनल या डिप्लोमेटिक अपनी ओपिनियन, नो दे टेक इट एज वेरी पर्सनल स्टफ। इसके बावजूद उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने कहा नहीं मुल्क और कौम के लिए मुझे फ्रंट बंद करने हैं, उन्होंने बंद किए। इस वक्त सऊदी अरेबिया को किसी नेक्स्ट लेवल, वहाँ मेसी आ रहा है, रोनाल्डो आ रहा है, क्लब्स हैं, गेम्स हैं, इट्स ए नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनी फॉर पीपल, उनका 2020 अगर उसका वो जो 2030 का जो वीजा ने जो सिटी वगैरह बना रहे हैं, तो उन्होंने खुद कहा कि लोग यूरोप की बजाय हमारे यहाँ आया करेंगे। ये वो लेसन है। अब खान साहब ने क्या किया सर, एक के बाद एक महाज खोला, एक के बाद एक लड़ाई लड़ी, जहाँ पे लड़ाई नहीं लड़नी थी वहाँ भी पिक की, मतलब कौन सी थी 2018 से, ये पहले देखें, पहले इनकी इनको थोड़ा सा स्ट्रेटजिकली देखें। जब जनरल मुशर्रफ आए तो उन्होंने जनरल मुशर्रफ को जहन किया, क्योंकि उन पर नवाज शरीफ साहब ने इनके मिसेज पे, जमैमा साहबा पे और इनके सास पे वो टैलों के केसेस बनाए थे, और बड़ा उन्होंने पर्सनल ले लिया था कि खान साहब जो हैं ये आएंगे सियासत में आएंगे मुझे नुकसान देगा, उन्होंने वहाँ से दिया। उसके बाद जब उनको जनरल मुशर्रफ साहब ने उनको वहाँ पे वजीर आजम नहीं बनाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी 2002 के इलेक्शन के बाद, उन्होंने फौरी तौर पर अपनी लाइन चेंज की, लाइक ए वेरी इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन, फेयर इनफ। वो लाइन क्या चेंज की, उन्होंने अपने आप को इनके साथ अलाइन कर लिया, मतलब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, बेनजीर भुट्टो साहब के साथ, और मौलाना फजल रहमान के साथ, नवाज शरीफ की पार्टीज़ के साथ, कौमी असम्बली में ये इनके साथ अलाइंस में शामिल हो गए, अपोजिशन में अगेंस्ट जनरल मुशर्रफ। इन्हें ये लगा कि मैंने पॉलिटिकल स्ट्रगल के जरिए वापस आने, मुझे ये डिक्टेटर वगैरह ये वादे तो करते हैं लेकिन वजीर आजम नहीं बनाते, मुझे यूज़ किया जनरल मुशर्रफ ने, अपनी क्रेडिबिलिटी बना के इलेक्शन वगैरह करवा के वो रेफरेंडम का, तो मुझे फारिग कर दिया। सो उन्हें लगा कि मुझे इनके साथ मिलना चाहिए मुशर्रफ के अगेंस्ट, इट वॉज वाइज फैसला। तो लिहाजा पार्लियामेंट में ये 2002 से 2007 तक वो आके अपोजिशन में रहे, बल्कि लंदन में गए थे नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने वो की थी उनसे मुलाकातें की थी, मैं मौजूद था वहाँ पे ड्यूक स्ट्रीट में उनके दफ्तर में, इमरान खान साहब आए थे नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ के, बल्कि बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया, ट्रिब्यूट किया उनका, हम यहाँ सब वापस आए इकट्ठे मिलकर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ हम वो करते हैं तहरीक चलाते हैं, फिर उनके साथ उन्होंने उसमें मिल गए थे और भी अलायंसेज वगैरह में उन्होंने बनाए, फिर उन्हें आपको याद होगा उनकी थी महमूद अचकज़ई साहब के साथ, उनके साथ मिलकर अलायंसेज बने और बहुत सारे, बल्कि नवाज शरीफ के साथ भी अलायंस बन चुका था, वो 2008 के इलेक्शन में उन्होंने डिच किया और उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ा, इमरान खान साहब बहर हो गए। सो वो वहाँ से था, ये चीज़ें उनके पोलिटिकली तौर पर ठीक रही हैं कि मुझे इन्हीं के साथ मिलकर मिलाते रहने। फिर जब उनको फील हुआ कि नहीं
वही उन्होंने कहा कि जो पहले था कि जब तक मैं पावर में मैंने आना है तो मुझे जनरल्स जो हैं उनके साथ मिलके दोस्ती तलुकात बना के मैं वापस आ सकता हूँ मैं सारा, लिहाजा फिर उन्होंने जनरल बाजवा साहब, जनरल फायर साहब इनके साथ मिलके वो पावर में है। यहाँ से मैं समझता हूँ जो उनके जहन में आया कि पावर उनका ख्याल था लोगों के पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास नहीं है, अपोजिशन के पास नहीं है, पावर जो है ना वहाँ से GHQ से निकलती है, जनरल्स हैं हमारे हमारे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग जो हैं, ये लोगों की उन लॉयल्टीज़ ये बिगाड़ भी सकते हैं, ये बना भी सकते हैं, हुकूमतें भी बना के देंगे, लोगों को खुद ही कैल करेंगे, ले करेंगे, मेरी पार्टी में शामिल करवाएंगे, इलेक्शन भी लड़वाएंगे, जितवाएंगे भी सही और मेरी हुकूमत भी चलवाएंगे। सो उनके जहन में वो बातचीत बैठ गई जो 3.5 साल उन्होंने इसी तरीके से हुकूमत के जनरल्स को उन्होंने एक्सटेंशन भी दी, किसी को आर्मी चीफ बनाना था, किसी को एक्सटेंशन दे दी कि ये मेरे साथ रहने चाहिए, इनके साथ मिलकर मैं मीडिया भी हैंडल करूंगा, मैं अपोजिशन को भी हैंडल करूंगा, पार्लियामेंट भी करूंगा, अदालत भी करूंगा, नैब को भी करूंगा, लोगों को भी करूंगा। उनका मॉडल ये था कि दो जनरल अगर DGIS सही और आपका आपका आर्मी चीफ आपके साथ है ना, देन गो बरसक, फिर कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ये मॉडल आज तक उनके जहन में, दैट्स द रीजन इवन दीज डेज ही सेज कि मैंने जनरल आसिम मुनीर साहब को मैसेज किया जी हैं बातचीत करें मुझसे बैठें, मैं सियासतदानों से बात नहीं करता, मैं उन्हीं से बात करता हूँ, क्योंकि उनके जहन में बैठी हुई है कि आज भी जनरल मुझे ये दोबारा पावर में ला सकते हैं, लोग नहीं ला सकते, जो पार्लियामेंट नहीं ला सकती, अदालत नहीं, नो, अभी भी उनके जहन में। सो उनकी दुश्मनियाँ जो हैं खान साहब ने, माई वे आर हाई वे, ये काम उन्होंने MBS ने नहीं किया सऊदी अरेबिया में, शुरू में किया यस, जिसका नुकसान हुआ उन्होंने, उनका इमेज खराब हुआ, हर्ट हुए, नहीं होनी चाहिए थी, वेरी सैड अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैपन इन सऊदी अरेबिया, लेकिन जब उन्हें फील हुआ कि माई वे आर हाईवे से दुनिया नहीं चलती, तो अपन ही भगवान नहीं है, वही वाले नवाजुद्दीन सदीकी साहब वाला डला के कभी कभी लगते अपन ही भगवान है, तो उन्होंने अपन भगवान नहीं है, दुनिया में और बहुत बड़े ये ताकतवर लोग पड़े, हमें यहाँ पे अपने महाज वो बंद करके मैंने अपने मुल्क और कौम और अपनी यूथ के लिए काम करना है। इमरान खान साहब एक के बाद एक महाज खोलते हैं, हर जगह खोला, कौन सा इस वक्त कोई एक बताएं जो महाज उन्होंने, मतलब आज भी उन्हें महाज खोलने के उसमें हैं, वो मतलब डेली की बुनियादों पे खोलते जा रहे हैं। सो आपको सम टाइम आपको पीछे हटना पड़ता है, मैं ज़िंदगी में 5-6 दफ़ा मैं अहम हुआ कि मुझे हटना पड़े, आपको हटना पड़ता है जो दूसरों को वाह वाह करते हैं, बल्ले बल्ले नहीं जी नहीं डट जाए जी, वो नहीं जी मर्द दिक्कत जबान होंगे जना, आप अपनी ज़िंदगी में 10 दफ़ा पीछे हटे होंगे लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि लोग कहेंगे कमज़ोर आते, अच्छा आप भी डर गए थे, अच्छा आप भी पीछे हो गए थे, दैट वुड बी योर आंसर। तो खान साहब को जो उस तरह उन्होंने ऊपर उठा, खान तो कल ही काफ़ी है, ये काली ट्रेन चला रहा था, ये चल रहा था कल सोशल मीडिया पे कि कल ही काफ़ी हैं, ये मतलब हवा भर दी गई कि आप नौज बिल आपको ऐसी हस्ती बन गए हैं कि आपको कुछ भी नहीं होगा जनाब, आप जो कुछ करेंगे ठीक होता जाएगा। इस कंसेप्ट ने उनको डैमेज किया, इस कंसेप्ट की वजह से तमाम वो दुश्मन बना बैठे हैं और पावरफुल लोगों को दुश्मन बना बैठे हैं, जिसका नतीजा उनके अपने डिबाकल में निकला है, अकेले फिर रहे हैं आजकल, कोई बंदे साथ नहीं है, वही 9 मई को जो कहते थे मेरी गिरफ्तारी से लोग सड़कों पे आ जाएंगे, एहतजाज होगा, हुआ, अभी जब वो नैब की पेशी पे है तो लोगों को मना किया कि अब नहीं आना, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों में जो हुकूमत ने उन पर क्रैक डाउन हुआ, ज्यादतियाँ हुई, अब्यूज़ जो कुछ भी लड़ाई झगड़े हुए उसके बाद उन्हें समझ आ गई। सवाल ये कि 70 साल की उम्र तक अगर आपको बेसिक चीज़ें भी अभी आपने सीखनी है कि आपने महाज खोलने हैं या महाज बंद करने हैं, और जो फोकस कौम मुल्क यूथ को रखना है, या हर वक्त हंगामे दंगे फसादा जलाओ घिराओ थ्रेट बुलियंग ये चलती रहेगी। सो खान साहब कुड हैव लर्न सम लेसन फ्रॉम, मैं लंबी बात हो सकती है, मैं नहीं जाना चाहता, और बहुत कुछ बताया जा सकता है। माई वे आर हाई वे से सऊदी शहजादे आपसे ज़्यादा ताकतवर थे, ज़्यादा पैसा था, ज़्यादा उनका क्लाउड था दुनिया में, उनकी सुनी मानी भी ज़्यादा जाती है, पैसे भी बढ़े हैं, तेल भी बढ़ा है। माई वे आर हाई वे ये शहजादा मोहम्मद ने भी ये रूट इख्तियार नहीं किया जो आपसे आधी उम्र का है तकरीबन, जिसमें मेरे को 37 साल का है वो, मतलब कुछ तरसा पहले वो 35 साल का था जब आप उस 70 के मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट आप उससे डबल हैं, वो 35 साल 37 साल के उस लड़के को समझ जाए कि माई वे आर हाई वे नहीं चलना, मैंने अपना 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 मुल्क अपनी कौम को दुनिया के ममालिक साथ नहीं लड़ाना, मैंने यमन में अपने बच्चे नहीं मरवाने ना उनके मारने, ना मैंने शाम में मरवाने, ना ईरान में, ना उसमें ये UAE में नहीं सॉरी उस कतर में, और ना मैंने तुर्की में, और ना मैंने जंगे लड़िया, ना मैंने वहाँ पे उनको अजाब पे खड़ा, ना उसने ग्रेंजर का नाला मारा है कि हम अजीम कौम है अरब जो है ना हम दुनिया पर रूल करेंगे, हम किसी के गुलाम थोड़े हैं, कुछ सुना है आपने उनके मुँह से ये नारा, उनको कहा है कि हम गुलाम थोड़े, क्योंकि दुनिया मफादात पे चलते, कोई किसी का मास्टर या गुलाम वो नहीं होता। तो आपने जो इसमें मतलब 5वां गेयर लगाया है और लगाएगा किसको नुकसान, बच्चे आज 7,000 बंदा आपका मिलिट्री कोड फेस कर, मैं बच्चों की मैं तस्वीरें देखकर रोना आ गया, मेरे अपने बच्चे मेरी आंखों के सामने आ गए कि कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको इस मिलिट्री कोड्स का सामने, सिर्फ आपके उसमें चले गए हैं कि आपने कहा जी हम इस कौम को अजीम बनाए, कौम को अजीम जनाब ये 16 सफ़े से भी बनाया जा सकता है, जैसे सऊदी प्रिंस बना रहा है, ज़रूरी नहीं होता कि आपने कौम को हर वक्त जहर बार जहर के टीके लगा के लोगों के बच्चों को करके आखिर अल्टीमेटली क्या एंड हुआ आपके ग्रेंजर के लिए आपके उसके लिए। बहरहाल वही वो पंजाबी का लतीफ़ा सुना हुआ होगा कि करने तुझे अपनी मर्ज़ी है, हम नेको बाद हजूर को समझाए जाते हैं।